सो गाइस, वेलकम बैक एट बाइकोनॉमी। और मैं हूँ गुवाहाटी के, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोसा पॉइंट्स। नाम है डोसा एक्सप्रेस नम्मा। और मैं लिटरली इसको 22 किलोमीटर्स अपने होटल से, पहले भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद 22 किलोमीटर दूर से आया हूँ स्पेशली इसका खाने, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर तो सिर्फ जोमेटो पे इनकी रेटिंग अच्छी थी। एक प्रैक्टिकलिटी के लिए मैंने खा लिया था, बट लास्ट ईयर द टेस्ट वॉज ऑसम। लाइक नॉर्थ ईस्ट में बैठ के साउथ इंडियन वाला टेस्ट मुझे मिल रहा है, तो इसलिए नाश्ता तो मैंने किया ही नहीं था। मंदिर के बाद मैं सीधा यहीं आया हूँ। और इनका जो मेन्यू है, क्वाइट अ गुड मेन्यू दे हैव एंड प्राइस भी रीजनेबल है। तो मैंने जो है घी रोस्ट कराया, और घी रोस्ट को ऑर्डर करने का एक रीज़न है कि अभी अक्टूबर में, सॉरी जून नहीं अगस्त में मैं चेन्नई गया था, तो वहाँ पे एक चेन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उनका घी रोस्ट, लिटरली उसमें घी की स्मेल थी। लाइक इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डोसा। तो स्वाथी था या पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आई विल रिमेम्बर, कैप्शन में मुझे याद आ गया तो मैं डाल दूंगा। तो उनका घी रोस्ट लिटरली इट वॉज समथिंग क्वाइट हैवी, और उसमें से घी की खुशबू आ रही थी। तो इसलिए जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट मैंने घी रोस्ट ऑर्डर किया है। घी स्पेशल था, घी रोस्ट था। अच्छा, ये रहा घी वाला। हाँ ओके, तो लेट्स सी हाउ इट इज़। और बाकी तो टू दी पॉइंट है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। लेट्स सी कैसे क्या होता है। यस, तो गाइस दैट वाज द नेम। जो चेन थी वो थी संगीता। संगीता का घी घी रोस्ट खाया था एंड इट वाज क्वाइट थिक। और जो इनका घी रोस्ट डोसा है, दैट्स ऑन द थिनर साइड। आप उसको पेपर डोसा टाइप जैसे कह सकते हैं। क्रंच है ज़्यादा, घी का है उसमें, लेकिन वो थिकनेस नहीं है। सो मैंने करा है सेट डोसा। इट कम्स इन अ पेयर। और जो ये ओनर हैं, इनके मुंह से रोटी वर्ड सुनते ही मैंने कहा हाँ यही ऑर्डर कर दो जी। तो इन्होंने बोला कि रोटी जैसा होता है, तो फिर इसको ये पेयर में आता है, तो अब मैं वो ऑर्डर करा है इसमें। लेट्स सी। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन डोसा नंबर 3। और मैं मसाला डोसा ऑर्डर करा था, बट दी ओनर सजेस्टेड टू ऑर्डर मैसूर मसाला। और लाइक सबको पता है कि जो डोसे के अंदर फिलिंग फिलिंग नहीं, वो डोसे के ऊपर रेड रंग का पेस्ट होता है ना, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं उबाल के। सो दैट्स द थिंग। तो वो इसलिए मैसूर है, प्लस इट इट्स उसको कुक करते हैं लोग घी में। और मैसूर मसाला डोसा संगीता रेस्टोरेंट था चेन्नई के अंदर। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ चेन, तो वो फिर बढ़िया था उसका, संगीता का। बट गुवाहाटी में चटनी जो है बढ़िया है। सांभर की जो कंसिस्टेंसी है ना, दैट इज थिक, कंसिस्टेंसी थिक है। और इवन दिल्ली में भी इतना मोटा सांभर नहीं मिलता है। चटनी भी अच्छी है इनकी, और ये जो लाल चटनी है टोमेटो और उसकी, वो भी अच्छी है ऊपर जो है। सो 20-22 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इट्स वर्थ इट। और जोमेटो पे तो आई थिंक 4.9 या 4.8 रेटिंग चल रही है इनकी। और अभी मेन रोड पे जो RGB रोड था, उस पे सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जो गली है, गली के अंदर आप अपनी मोटरसाइकिल या कार जो भी हो उस पे पार्क कर सकते हैं। सो दैट्स माय ब्रंच। अब घर जाके रेस्ट, और फिर शाम को एक बार देखेंगे।